गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल डू आवर नेक्स्ट प्रैक्टिकल जिसका नाम है फोटोवोल्टिक सेल और यू कैन से अ फोटो सेल, फोटोवोल्टिक सेल और फोटो सेल। हमने स्टडी करना है टू वेरीफाई, हमने वेरीफाई करना है स्केयर इनवर्स लॉ को ऑफ लाइट यूजिंग अ फोटोवोल्टिक सेल। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए फोटोवोल्टिक सेल होता क्या है। फोटोवोल्टिक सेल करता क्या है, वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट कर रहा है उसे हम फोटो सेल भी कहते हैं और फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, जैसे सैंडविच होता है, सैंडविच के अंदर दो ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं और एक स्लाइस बीच में अगर सपोज जैम का है तो टोटल 3 लेयर्स हो गई। सिमिलरली हमारे पास फोटोवोल्टिक सेल के अंदर भी 3 लेयर्स होती हैं। इट इज अ 3 लेयर डिवाइस जिसके अंदर जो एक लोअर लेयर होती है वो मेटल की सर्फेस होती है, मेटल लेयर होती है यू कैन से, जिसे हमने लिया है कॉपर की लेयर। ये है हमारे पास एक कॉपर की लेयर, ठीक है। इसके ऊपर एक सेमीकंडक्टर की लेयर होती है, यहां पे है हमारे पास सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की लेयर होती है। उसके बाद सेमीकंडक्टर की लेयर हम कह रहे हैं कि वो सेमीकंडक्टर हमने यूज किया है क्यूप्रिक ऑक्साइड Cu2O। उसके ऊपर हमारे पास एक थिन लेयर होती है ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, दिस इज अ थिन लेयर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो ये 3 लेयर हो गई ना, फर्स्ट लेयर जो लोअर लेयर है वो हमारी मेटल की सरफेस है कॉपर लेयर, उसके ऊपर सेमीकंडक्टर की लेयर है क्यूप्रिक ऑक्साइड हमने यूज किया है, उसके ऊपर हमारे पास थिन लेयर है किसकी, गोल्ड एंड सिल्वर की, जिसे हम प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे प्रोटेक्टिव लेयर, क्योंकि ये इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो एंटी कोरोसिव होता है, मतलब उसके ऊपर जो कोरोजन है वो नहीं चढ़ता जल्दी से, तो इसलिए वो इसको पूरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोरोजन फ्री रहता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, प्रोटेक्टिव लेयर भी बोलते हैं। अब इसके अंदर होगा क्या, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट हम इस पे फॉल कराएंगे। जब पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी तो वो सबसे पहले थिन लेयर के ऊपर फॉल करेगी जो कि किसकी बनी हुई है, सिल्वर की और गोल्ड की, गोल्ड और सिल्वर की। तो जब वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट फॉल करेगी वो इस पे से क्रॉस करके सेमीकंडक्टर की लेयर पे आएगी, जब वो यहां पहुंचेगी तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। जब वो मूव करेंगे तो वो कॉपर लेयर पे मूव करेंगे, तो वो बेसिकली क्या हो रहा है, कैथोड से एनोड में जा रहे हैं, वो कैथोड से एनोड में जा रहे हैं। जब कैथोड से एनोड में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे चेंज इन डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, देयरफॉर हम क्या मेजर कर सकते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, जिसकी वजह से करंट जनरेट होगा। अब करंट कैसे जनरेट होगा, हमने क्या किया, इस पूरे सर्किट को क्या कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है जो कि हमें डिफ्लेक्शन देगा और करंट जनरेट होगा, एंड दिस गैल्वेनोमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, ओके। ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया भी हुआ है आपकी प्रैक्टिकल की बुक में, ये कॉपर की प्लेट थी, ऊपर सेमीकंडक्टर की लेयर है क्यूप्रिक ऑक्साइड और फिर थिन फिल्म की लेयर गोल्ड फिल्म हमने दी है, जो कि लेयर है उसकी गोल्ड की और सिल्वर की, उसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हमने कुछ भी बाहर से नहीं करा है, लाइट फॉल कराई है और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को क्रिएट किया है, बाहर से हमने कुछ भी नहीं वो करा, ऐड किया, ये बाहर से कोई सोर्स नहीं लगाया। अब हमने करना क्या, हमारा एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, टू वेरीफाई द इनवर्स स्केयर लॉ। अब हमें इनवर्स स्केयर लॉ को वेरीफाई करना है। इनवर्स स्केयर लॉ क्या कहता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² वेयर आई इज वॉट, आई इज द इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनेशन, आई इज द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी है, आर इज द डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन के, दैट इज थीटा। थीटा क्या से आएगा, थीटा गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से आएगा। जब आई थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² यस, तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², जिसे हमें प्रूफ करना है। तो अब इसका एपरेटस देखते हैं,
ये हमारे पास अपरेटस है इसका फोटोवोल्टिक सेल का। यहाँ पे दो अपराइट्स हैं, एक अपराइट है हमारे पास फोटोवोल्टिक सेल का, दूसरा अपराइट है हमारे पास लैम्प का, हाउसिंग लैम्प का, एंड दिस इज योर गैल्वेनोमीटर जिसकी हमने डिफ्लेक्शन पढ़नी है। दिस इज इन मिली एमीटर, यहाँ से हम करंट की डायरेक्शन वो नोट करेंगे, ठीक है। और इसकी हमने लीस्ट काउंट भी निकालना है, जैसे हम अब तक निकालते आए हैं 0 to 0.5। 0 to 0.5 के बीच में कितने डिविजन्स हैं? 10। तो हम इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। तो 1 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल हो जाएगा? 0.5 by 10, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और मिलीमीटर्स में इसकी रीडिंग नोट करेंगे। तो जो भी रीडिंग हम गैल्वेनोमीटर से रीड करेंगे उसको इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, देयर इज अ स्केल, यहाँ पर हमें स्केल भी दिया हुआ है जिससे हम रीडिंग नोट करेंगे। एंड आर क्या है? आर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, वो फोटोवोल्टिक सेल और लैम्प हाउसिंग इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा जिससे हमने ये वैल्यू नोट करनी है। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² जिसे हमें प्रूफ करना है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, डिस्टेंस इंक्रीजेज इंटेंसिटी डिक्रीजेज, और यही हमें वेरीफाई करना है। और जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा वो उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा। क्यों देगा? क्योंकि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। नाउ कम टू द ऑब्जर्वेशन टेबल। अगर हम यहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल देखें तो हमारे पास पोजिशन ऑफ अपराइट्स फोटोवोल्टिक सेल, जिसकी पोजिशन हम फिक्स्ड कर देते हैं 100 पे। तो यहाँ पे हमने 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter, ये हमने इसको फिक्स कर दिया। यहाँ पर हमने इसे फिक्स कर दिया 100 centimeter पे फोटोवोल्टिक सेल को, इसको हमने फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे हमारी सारी रीडिंग्स में क्या आ जाएगा? 100 centimeters। लैम्प हाउसिंग ये है हमारे पास, इसकी रीडिंग को हम वेरी करते रहेंगे, जो रीडिंग पे रखेंगे हम उसको प्लॉट करेंगे यहाँ पर वाई में। फिर आता है गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन थीटा, जो कि हम यहाँ गैल्वेनोमीटर से नोट करेंगे, थीटा यहाँ से नोट करेंगे, हम मिलीमीटर्स में है। उसके बाद हमने डिस्टेंस निकालना है एक्स माइनस वाई आर, ये एक्स वाई माइनस एक्स करके डिस्टेंस आ जाएगा, फिर उसका स्केयर करेंगे, फिर 1/ कर देंगे तो इनवर्स स्केयर आ जाएगा। तो रीडिंग्स मैं बता देती हूँ कैसे लेनी है, और एट द लास्ट रिजल्ट में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये देखिए, दिस इज अ लैम्प। अब इस लैम्प को हमने क्या करना है, कनेक्ट कर दिया सप्लाई से। अब हमने क्या करना है, ये लैम्प की जो राइट है इस फोटोवोल्टिक सेल के ऊपर फोल्ड करेगी, जो कि 100 centimeters पे पड़ा हुआ है, इसको हमने फिक्स्ड कर दिया है। अब यहाँ पर जब लाइट फॉल करेगी तो ये गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन देगा। अब हमने क्या किया है, इसको 100 centimeter पे फिक्स कर दिया है, फोटोवोल्टिक सेल को 100 centimeters पे फिक्स कर दिया है। ये लैम्प हाउसिंग है, हम इसको वेरी करते रहेंगे और गैल्वेनोमीटर में से डिफ्लेक्शन को नोट करेंगे। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा हमें ये डिफ्लेक्शन देगा, क्योंकि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। अब मैंने इसे मूव किया, इसे जब मैं मूव किया तो गैल्वेनोमीटर ने अभी तक कोई डिफ्लेक्शन नहीं दी है। जहां भी वो डिफ्लेक्शन देगा हमें वही नोट करना है। आप ध्यान दीजिए, मैं इसे मूव करते जा रही हूँ, आप उधर डिफ्लेक्शन पे देखिए। जैसे जैसे मैं इसे मूव कर रही हूँ वो डिफ्लेक्शन देखेंगे हम क्या आ रही है। ये डिफ्लेक्शन अभी तक मूव नहीं करी है, और जैसे कि इस पर लाइट फॉल होने पर ये डिफ्लेक्शन देगा, ये 1 division मूव कर गया है, ठीक है। ये कहाँ आके 1 division मूव करा है? 59.5 पे। यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है दैट इज 59.5, ठीक है। 59.5 आ रही है, हम उसे या तो प्रॉपर 59 पे रख लेंगे या 60 पे रख लेंगे। तो 59 पे भी हमें ये रीडिंग 1 दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको रीडिंग को पढ़ लेंगे 1 into उसका लीस्ट काउंट। अब अगेन इसे आगे मूव कराएंगे, ठीक है, दो दो डिविजन्स के गैप पे रीडिंग लेते जाएंगे। अब ये 63 पे आने पर यहाँ पर फिर डिफ्लेक्शन आ गई है, उसको नोट करेंगे, अगेन इसे मूव करेंगे, वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। जैसे जैसे ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, दो दो डिविजन्स के गैप पे हमने डिफ्लेक्शन लेते रहना है टिल द एंड। तो ये हमारे पास एंड पे जाता जाएगा और वो डिफ्लेक्शन हमें शो करता जाएगा।
ये देखिए यहाँ पे सारी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है टिल 1.5। अब वो इंक्रीज जैसे जैसे पास आ रहा है करंट इंक्रीज हो रहा है, डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होती जा रही है। वो डिफ्लेक्शंस हमने यहाँ नोट करनी है, ये तो 100 सेंटीमीटर ही आएगा हर बारी। ये हमारा चेंज होता जा रहा है, ये डिफ्लेक्शन हमारे पास चेंज होती जा रही है। फिर ये कैलकुलेट करेंगे, एट लास्ट वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन थीटा एंड 1/r² जो कि हमें एक स्ट्रेट लाइन कर्व देगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा। ये हमारा प्रैक्टिकल था फोटोवोल्टिक सेल। थैंक यू।